नमस्कार दोस्तों, ये फुटेजेस नेपाल के विमान हादसे से चंद सेकंड पहले की है और इस विमान हादसे में 72 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्लेन की ये फुटेजेस बहुत सारे जवाब देती है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। साथ ही उस दिन यति एयरलाइन के ATR-72 विमान में कुछ डिस्टर्बिंग चीज भी हुई जिस पर किसी की नजर गई नहीं। वो ये चीज थी कि विमान के पायलट थे कमल केसी, साथ ही साथ को पायलट थी अंजू खातीवाड़ा। और हमेशा ये को पायलट हमेशा राइट साइड के कॉकपिट में बैठता है और एक कैप्टन लेफ्ट साइड के कॉकपिट में बैठता है, लेकिन उस दिन विमान के कप्तान कमल केसी ने लेफ्ट साइड की सीट अंजू खातीवाड़ा को दी। विमान का लेफ्ट और राइट साइड का कॉकपिट सेम ही होता है, लेकिन कुछ एडिशनल चीज कैप्टन वाली सीट यानी कि लेफ्ट सीट में होती है। तो क्या उस दिन अंजू खातीवाड़ी का लेफ्ट साइड में बैठना कहीं इस विमान हादसे का कारण तो नहीं बना, जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे आगे। साथ ही जानेंगे उस विमान ATR-72 की हिस्ट्री, क्या इस विमान में ही तो प्रॉब्लम नहीं है जिसके चलते ये हादसे का शिकार हुआ, या फिर एक पैसेंजर और उसकी हरकतों की वजह से ये फ्लाइट क्रैश हुई। और ये सब हम जानेंगे पूरी डिटेल में वीडियो में आगे। साथ ही जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय के साथ कि विमान में आखिर क्या हुआ और फुटेज क्या दिखाती है कि विमान हादसा क्यों हुआ। साथ ही आपको बहुत कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुंचाने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जानेंगे इस विमान के ब्लैक बॉक्स के बारे में कि वो कहां पर है और क्या उससे कोई डेटा मिला है या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि यति ATR-72 का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और जिस दिन ये फ्लाइट क्रैश हुई थी उस दिन क्रैश साइट पर फ्रांस से लोग आए थे, क्योंकि ये विमान फ्रांस और इटालियन कोलैबोरेशन से बना हुआ था, इसीलिए फ्रांस से यहाँ पर लोग आए थे। साथ ही इस विमान का ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और इसके ब्लैक बॉक्स के डेटा की एनालिसिस करेगा सिंगापुर, जहां पर सिंगापुर में इस ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया है और उसके बाद उस डेटा की एनालिसिस सिंगापुर में की जाएगी और हर एक बारीक चीज पर देखा जाएगा कि कहां पर गलती हुई है जिसके कारण ये फ्लाइट क्रैश हुई है। क्या ये पायलट की गलती थी या फिर कोई टेक्निकल फेलियर, और तब तक हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि फ्लाइट के क्या कारण हो सकते हैं जिसे ये फ्लाइट क्रैश हुई। दोस्तों यति ATR-72 15 जनवरी को सुबह के 10:30 बजे काठमांडू से उड़ान भरता है और करीबन 27 मिनट की फ्लाइट के बाद इसको पोखरा पहुंचना था, पर लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ये विमान गोरगी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन 72 लोगों की जिंदगी ने एकदम से करवट बदल ली। इतने लोगों की जान गई तो इस फ्लाइट के क्रैश होने की वजह आखिर थी क्या, क्योंकि उस समय मौसम बिल्कुल साफ था तो मौसम वजह नहीं था कि ये फ्लाइट क्रैश हो। और इस दुर्घटना को साफ करता है वो फुटेज जो कि विमान के हादसे से 10 या 20 सेकंड पहले लिया गया था, जिसमें हम देख सकते थे कि विमान का आगे का हिस्सा यानी कि विमान की नोज ऊपर साइड को थी, जो कि आम तौर पर विमान उड़ने के टाइम पर होती है, ना कि लैंडिंग के टाइम पर। लैंडिंग के टाइम पर एक विमान की नोज टेल के साथ लेवल पर होगी, इससे ज्यादा ऊपर लैंडिंग के टाइम पर विमान की नोज को नहीं देखा जा सकता। यति एयरलाइन के इस प्लेन की जो लेवल थी लैंडिंग के टाइम पर वो सही नहीं थी, और एक्सपर्ट्स की माने तो इस कंडीशन को कहते हैं कि विमान स्टॉल्ड हो गया। तो अब जानते हैं कि ये स्टॉल कंडीशन होती क्या है आखिर विमान में, और क्या ये पायलट की गलती थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या फिर कुछ और थी। दोस्तों एक प्लेन के बेसिक्स को देखें तो एक प्लेन में इंजन होता है जो कि थ्रस्ट पैदा करता है जिससे विमान आगे की ओर बढ़ता है, और प्लेन के विंग्स उस थ्रस्ट से ही एयर के मूवमेंट से लिफ्ट पैदा करते हैं, यानी कि विमान को हवा में ऊपर उठाते हैं। और जब भी एक विमान रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए जाता है और उसके बाद जैसे ही टेक ऑफ करता है तो उसकी फ्रंट नोज को हम ऊपर देखते हैं और टेल को हम लोग नीचे देखते हैं। इसकी वजह से विंग्स के साथ एक एंगल बनता है और विंग्स के साथ उस एंगल की वजह से प्लेन को ज्यादा लिफ्ट मिलती है, यानी कि प्लेन ज्यादा हवा में ऊपर जाने में उसको सहायता मिलती है, विंग्स ज्यादा उसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ। पर आप लोग ये कहो कि यति एयरलाइन का वो प्लेन की भी तो नोज ऊपर थी, तो उस हिसाब से तो यति एयरलाइन के प्लेन को भी ऊपर जाना चाहिए था, ना कि नीचे क्रैश करना चाहिए था। पर यहाँ पर एक काफी बड़ा डिफरेंस था, प्लेन छोटा हो या बड़ा हो, जब तक एक विमान एक सर्टेन एंगल की रेंज के बीच में होगा तभी तक उसके विंग्स उसके लिए लिफ्ट जनरेट कर पाएंगे, यानी कि उसको ऊपर धकेल पाएंगे, जिस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ अटैक, और वो 0 से लेकर 16 डिग्री तक होता है। और जैसे ही विमान का एंगल 16 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक से ऊपर होने लगता है तो यहाँ पर कंडीशन चेंज होने लगती है, जो विमान का लिफ्ट है वो ड्रैग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि विमान और ज्यादा धीरे होने लगता है। साथ ही साथ विमान के अपर पोर्शन की जो एयर होती है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट करने लगती है, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो कि आप इस फोटेज से देख सकते हो। और इसी कंडीशन को कहा जाता है कि विमान स्टॉल्ड हो गया, यानी कि विमान स्टॉल्ड कंडीशन में आ गया। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही कंडीशन बनी यति एयरलाइन के इस एयरक्राफ्ट के साथ, जहां पर इसकी नोज ऊपर थी, यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक से ज्यादा ऊपर, 16 डिग्री से ज्यादा ऊपर ये प्लेन रहा है,
जिसके बाद इसका लेफ्ट विंग सबसे पहले स्टॉल्ड कंडीशन में आया, जिसकी वजह से ये विमान लेफ्ट की तरफ रोल होना शुरू किया और उसके बाद ये क्रैश हो गया। यानी कि एक्सपर्ट्स की माने तो ये विमान 100% स्टॉल कंडीशन में आया, जिसके बाद ही ये क्रैश हुआ है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ये पायलट की वजह से स्टॉल कंडीशन में आया या फिर कोई टेक्निकल फेलियर की वजह से आया। कुछ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी किए गए स्टॉल कंडीशन को लेकर, जहां पर विंग्स के ऊपर कुछ थ्रेड्स लगा दी जाती हैं और उसके बाद देखा जाता है कि जब विमान को एक सर्टेन एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक 16 डिग्री से ऊपर ले जाया जाता है तो विंग्स के ऊपर की एयर कैसे सर्कुलेट करने लगती है, आप लोग इस रियल एग्जांपल से देख सकते हो। और इसी कंडीशन को स्टॉल्ड कंडीशन कहा जाता है। और ये स्टॉल्ड कंडीशन एक और वजह से पैदा होती है, जब विमान लैंडिंग करने जाता है। दोस्तों आमतौर पर लैंडिंग के वक्त विमान को धीरा करना पड़ता है, यानी कि विमान की स्पीड कम होती है, जिसके कारण पंख से टकराने वाली हवा कम हो जाती है और इसके चलते लिफ्ट भी कम होती है, यानी कि प्लेन को हवा में बनाए रखने के लिए दिक्कत होती है, जिसके लिए विमान के पंखों में एक मैकेनिज्म होता है जिससे विमान के पंख का एरिया बढ़ जाता है थोड़ा सा, और ये विमान को स्टॉल कंडीशन में आने से रोकता है। क्योंकि विंग्स का जब एरिया बढ़ जाता है यानी कि विंग्स बड़े हो जाते हैं तो वो ज्यादा लिफ्ट पैदा कर पाते हैं कम हवा में भी, तो ये कारण भी हो सकता है कि विमान स्टॉल किया। पर इस विमान हादसे से एक और बड़ी चीज है जो कि गायब दिख रही है, यानी कि इस पर कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि ये भी हादसे का कारण हो सकता है, और वो चीज है पायलट्स को लेकर। दोस्तों यति एयरलाइन के ATR-72 के कप्तान उस दिन थे कमल केसी, और उनको 35 साल का अनुभव था विमान उड़ाने का। वो काफी तजुर्बेदार पायलट थे और उन्होंने कई सारे को पायलट्स को भी ट्रेन किया था। साथ साथ उस दिन विमान की को पायलट थी अंजू खतिवाड़ा। दोस्तों अंजू खतिवाड़ा को भी विमान को उड़ाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। दोस्तों उन्होंने नेपाल के ऑलमोस्ट सारे ही रनवेज पर लैंडिंग और टेक ऑफ की हुई थी। साथ साथ इस फ्लाइट के पूरा होने के बाद वो को पायलट से कैप्टन भी बन जाती, क्योंकि उनके 100 घंटे का एयर टाइम पूरा हो रहा था और उस दिन के बाद से वो कैप्टन बन जाती, यानी कि मुख्य पायलट बन जाती। लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। और जब एक विमान हादसे का शिकार होता है तो उसके हर एक पहलू को देखा जाता है, और उस दिन एक चीज काफी अलग लगी जो कि वहां पर हुई। उस दिन विमान के मुख्य पायलट यानी कि कैप्टन कमल केसी ने जो कैप्टन की सीट थी वो अंजू खतिवाड़ा को दी। आमतौर पर हर एक फ्लाइट में मुख्य कप्तान यानी कि कैप्टन हमेशा से लेफ्ट की तरफ बैठता है और एक को पायलट राइट की तरफ बैठता है, लेकिन उस दिन कैप्टन की सीट पर लेफ्ट साइड में बैठी थी अंजू खतिवाड़ा और को पायलट की जगह बैठे थे मेन कैप्टन कमल केसी। अब कॉकपिट की बात करें तो दोनों साइड का कॉकपिट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कैप्टन के साइड के कॉकपिट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि NWS यानी कि नोज व्हील स्टीयरिंग। और विमान को उड़ाने के कुछ नेचुरल कारण होते हैं जिसकी वजह से ही कैप्टन को हमेशा लेफ्ट साइड की सीट दी जाती है, लेकिन उस दिन वहां पर सीट की अदला बदली थी। अब अंजू खतिवाड़ा हमेशा से को पायलट रही है, वो विमान को हमेशा से राइट साइड में बैठ कर ही संचालित करती रही है। हालांकि दोनों ही तरफ के कंट्रोल मोस्टली सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल सेंटर में भी होते हैं यानी कि बीच में होते हैं, और अगर वो उस दिन लेफ्ट साइड में बैठी थी तो उनको कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होता होगा उस दिन सेंटर के कंट्रोल में, जो कि उनको राइट हैंड से करने पड़े होंगे। तो कुछ वैसा ही डिफरेंस कहीं ना कहीं अंजू खतिवाड़ा के लिए भी रहा होगा। लेकिन आमतौर पर पायलट्स इन सभी चीजों के लिए काफी वेल ट्रेंड होते हैं, तो ये भी कुछ वजह हो सकती है कि उस दिन पायलट से ही कुछ गड़बड़ी हुई हो जिसके चलते ये विमान हादसे का शिकार रहा हो। और ये सारी ही चीजें तभी क्लियर होंगी जब एक अच्छी तरीके से जांच की जाएगी उस ब्लैक बॉक्स से। दोस्तों आमतौर पर सारे पायलट्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी स्टॉल की कंडीशन से वो कैसे निपटे। अगर विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो गया और विमान अगर एक गलत डेटा भी शो करता है तो वैसी कंडीशन में भी कैसे विमान को स्टॉल की कंडीशन से निकालना है, ये पायलट्स को काफी अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन यहां पर जब तक पायलट्स कंडीशन से निकलते विमान हादसा हो चुका था। पर एक और चीज है जो कि विमान के हादसे का कारण हो सकती थी, वो थे पैसेंजर। दोस्तों एक पैसेंजर उस लैंडिंग के समय ही फेसबुक लाइव कर रहे थे, जिनका नाम था सोनू अग्रवाल। और आमतौर पर फ्लाइट में बैठते वक्त साथ ही साथ फ्लाइट के दौरान भी कई बार निर्देश दिए जाते हैं कि अपने मोबाइल्स को या तो ऑफ कर ले या तो उनको फ्लाइट मोड पर रख के चलाएं, यानी कि नेटवर्क्स को बंद रख के। और उसका नजरअंदाज काफी बड़े तौर पर पैसेंजर करते हैं, और उस वक्त भी उस फ्लाइट में सोनू जायसवाल उस चीज का उल्लंघन कर रहे थे। वो अपने फोन को
ओपन करके नेटवर्क पर लाकर फेसबुक लाइव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस विमान हादसे में सोनू जायसवाल की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं थी और ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि जो इस विमान हादसे का कारण बनती। पर फिर भी विमान में बैठने वाले लोग अपनी लाइफ से ज्यादा उन सभी लोगों की लाइफ के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से सभी रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसी जगहों पर। दोस्तों, नेपाल में विमान ATR-72 हादसे का शिकार हुआ, तो क्या ये विमान सेफ है? कहीं इन विमानों में ही कोई दिक्कत तो नहीं जिसके कारण ये हादसा हुआ है? दोस्तों, विमान ATR-72 1980 से बनते चले आ रहे हैं और ये फ्रांस और इटालियन के ज्वाइंट वेंचर से बने हुए विमान हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा भी नहीं रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा ही रहा है और इनके टेक्निकल इश्यूज को पहले ही सही कर दिया गया है। और ये विमान काफी समय से नेपाल में यूज हो रहा है और दुनिया भर के कई जगहों पर यूज होता है, तो विमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन दोस्तों, नेपाल का एविएशन सेक्टर की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं रही है। जहां दुनिया भर में विमान हादसों का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो वहां नेपाल में विमान हादसों का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। कारण ठीक से मेंटेनेंस नहीं होना, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होना, साथ लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स और अपडेशन के चलते, और यही कारण है कि नेपाल में एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, नेपाल में एक नेचुरल कारण भी है जिसके चलते विमान हादसे काफी ज्यादा होते हैं। नेपाल में दुनिया के कई बहुत ज्यादा ट्रिकी रनवे हैं, जहां पर बड़े बड़े और अच्छे पायलट्स को भी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इन रनवेज के आसपास है ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिसके चलते इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और ज्यादा हादसों का शिकार होता है विमान। लेकिन इन नेचुरल कॉजेस को अगर अलग भी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं नेपाल में हादसों का नंबर काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि इस रीसेंट विमान हादसे में भी नेचुरल कारण नहीं था, ना ही कोई वेदर का कारण था जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। ये कहीं ना कहीं टेक्निकल फेलियर, मेंटेनेंस फेलियर या फिर पायलट्स की ही गलती थी। बीते 30 सालों में नेपाल में 27 बड़े विमान हादसे हुए हैं। अभी ज्यादा महीने नहीं हुए, 29 मई 2022 को ही तारा एयरलाइन का एक विमान पहाड़ी से टकराता है जिसमें 22 लोगों की जान जाती है। 12 मार्च 2018 को 51 लोगों की जान जाती है, जो कि बांग्लादेश से एक फ्लाइट आती है और वो काठमांडू एयरपोर्ट पर स्किड कर जाती है, जिसके कारण 51 लोगों की जान जाती है। फिर 2016 में तारा एयरलाइन का एक और विमान क्रैश होता है जिसमें 23 लोगों की जान जाती है, और ऐसे ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं। और इस पर एक बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शन की ज़रूरत है नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिससे इन हादसों को कम किया जाए। हालांकि अभी तक यटी एयरलाइन ATR-72 के विमान हादसे का सही कारण नहीं पता चला है, लेकिन ये तो पता है कि विमान स्टॉल कंडीशन में आया, जो कि पायलट की एरर से आ सकता है, टेक्निकल फॉल्ट से आ सकता है या फिर कोई और वजह से आ सकता है। आपको क्या लगता है कि इस विमान हादसे का कारण क्या रहा होगा? कहीं वो पायलट्स का सीट एक्सचेंज करना तो नहीं रहा या फिर कोई टेक्निकल इशू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी मेहनत के लिए इस पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे YouTube और इस वीडियो को रिकमेंड कर सके, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।